आप केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कंवरपाल गुजर जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुजर साहब, एकदम राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई, एक जो है ऐसी अफवाहें, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जेजेपी से तलाक की तैयारी है। नहीं देखिए, मैंने पहले भी आपसे कितनी बार ये बात कही कि हमारा समझौता जो था सरकार चलाने के लिए समझौता था, चुनाव लड़ने के लिए समझौता नहीं था। चुनाव लड़ने की बात थी तो वो हमारा हाईकमान बैठ के बातचीत करेगा, तो उसके बाद कोई निर्णय ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो बात बनी नहीं है चुनाव इकट्ठा लड़ने की। वो अलग चुनाव लड़ेंगे, हम अलग चुनाव लड़ेंगे, आगे आने वाले टाइम में अलग अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल का दौरा कैसा रहा, और उसके बाद एकाएक ये राजनीतिक गतिविधियां रातों रात हरियाणा में काया पलट होने की होगी? नहीं, देखिए तो चुनाव तो निश्चित है कि चुनाव होना, तो ये घटनाएं तो उस टाइम ही होने वाली होती हैं। और हम शुरू से कहते रहे ये बात तो कि भाई हमारा समझौता जो था वो सरकार चलाने के लिए था, और माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा था वो तो जो एक बहुत बड़ा एक सड़क जो शुरू करने जा रहे तो उसके लिए उन्होंने वहाँ। आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह नाश्ते पर सभी इंडिपेंडेंट एमएलए को साथ के साथ को बुलाया, उनसे दोबारा चिट्ठी समर्थन की मांगी गई है। नहीं, वो एक टेक्निकल चीज है तो उसको करना ही होता है। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि जब से सरकार बनी तब से लेके आज तक इंडिपेंडेंट जो है उनका समर्थन सरकार के साथ ही रहा, और अब भी उनका सरकार के साथ ही है। तो क्या कोई राज्यपाल जी से भी मिलने का कार्यक्रम है? अभी मेरे पास कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं, अभी मैं मीटिंग में जाने लग रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया होगा तो वो करेंगे। एक संशय जो छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए, आप पुराने पॉलिटिशियन है, दूर कीजिए कि जिस प्रकार विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, इसका क्या पर्पज हो सकता है? देखिए, अगर सरकार में इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर से बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और वैसे तो नियम अनुसार तो कोई जरूरत नहीं होती इस प्रकार की कि भाई जब सरकार के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो 6 महीने तक सरकार को विश्वास मत लेने की कोई जरूरत होती नहीं है। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर हम सारे इकट्ठे हैं तो एक बार जाने में क्या दिक्कत है। बरजिंदर सिंह का बीजेपी को अलविदा कहना, कांग्रेस में जाना, एक जो ये कायापलट हो रहा है, इसका मूल कारण तो नहीं माना जा सकता? ये उसके लिए भी शुभ है, हमारे लिए भी शुभ है, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति उन्होंने जीवन भर की, परिवार की राजनीति की, व्यक्ति की राजनीति की, हमारे यहाँ संगठन की राजनीति है, तो मेरे ख्याल वो एडजस्ट नहीं रहे थे लंबे टाइम से। 10 साल से हमारे साथ थे, बड़े बड़े पदों पर भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके। तो जो उनका था उनके लिए शुभकामनाएं, ठीक जगह चले गए, धन्यवाद। तो ये है कंवरपाल गुजर, हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री हैं। देखिए, कई मुद्दों पर चलते चलते उन्होंने हमारे से बातचीत की, और एक्सक्लूसिव बातचीत है ये। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।